हेलो बच्चों, मैं हार्दिक प्रसाद शर्मा क्लास सिक्स चैप्टर 11 प्रकाश को जानिए इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की जितनी वस्तुएं हैं उसको देख सकते हैं। मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में घूमते हैं, कमरा अगर अंधेरा है तो वहां पर अच्छी वस्तुएं हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? इसलिए कि वहां प्रकाश नहीं है। अतः इसलिए पता चलता है कि उस वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता। प्रकाश के स्रोतों को देखिए, अर्थात प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। स्रोत मतलब क्या, प्रकाश कहाँ से मिलता है। तो प्रकाश के दो स्रोत, पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अर्थात प्रकृति ने जो प्रकाश हमको देता है उसी को कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, इसको जो मनुष्य नहीं बनाते हैं, इसको जो है प्रकृति देता है, इसलिए इसको प्राकृतिक स्रोत। दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। मानव द्वारा प्रदत्त प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अर्थात मनुष्यों द्वारा जो प्रकाश दिया जाता है उसको कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे विद्युत बल्ब, ये प्रकृति हमको नहीं दिया, मनुष्य इसको बनाया। टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब जो है प्रकृति से हमको प्राप्त नहीं हुआ बल्कि मनुष्य द्वारा बनाया गया, इसलिए इसको कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आगे देखिए दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। सभी वस्तुओं में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जिस वस्तु में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब जो है दीप्त वस्तु कहते हैं, क्योंकि ये खुद जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार, दीवार से क्या प्रकाश उत्पन्न होगा? नहीं। बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब जो अदीप्त वस्तु, क्योंकि इन सब से जो है ये सब वस्तुएं जो है खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। अर्थात वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्लास में बताएंगे प्रकाश से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में। धन्यवाद।